हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नैन्सीज तड़का। तो आज हम बनाएंगे पंजाबी स्टाइल छोले मसाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कटोरी काबुली चने को अच्छे से धोकर 5 घंटे के लिए भिगोकर रखेंगे। मेरे पास ये भीगे हुए चने बिल्कुल रेडी हैं। कुकर में चने डालेंगे, फिर इसमें डालेंगे 2 से 2.5 गिलास पानी, दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 लौंग, 1 हरी इलायची और थोड़ा सा नमक। मिक्स कर देंगे, ढक्कन लगाकर फुल फ्लेम पर एक विसल दिलाएंगे। जैसे एक विसल हो, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे 30 मिनट तक पकने देंगे। तो आधा घंटा मैंने चने को पका लिया है और कुकर का प्रेशर अपने आप रिलीज होने देंगे। फिर हम चेक करेंगे तो देखिए छोले हमारे बहुत अच्छे से पक गए हैं। हमने इसमें कुछ भी मीठा सोडा वगैरह कुछ नहीं मिलाया, फिर भी हमारे छोले इतने सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए अब कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच तेल ले लेंगे। इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता, आधा चम्मच जीरा, 1 हरी मिर्ची, 3 से 4 चॉप किए हुए प्याज। प्याज को मैंने एकदम बारीक चॉप किया है। आप चाहे तो मिक्सर में ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। प्याज को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब इन सब को अच्छे से लाल करने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए प्याज अच्छे से लाल हो चुके हैं। अब हम 3 टमाटर को मिक्सर में ग्राइंड करके इसमें डाल देंगे। टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, आधा चम्मच लाल मिर्ची, 2 चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ी सी कसूरी मेथी। नमक आपको थोड़ा सा ध्यान से डालना है, किधर ज्यादा ना पड़ जाए, क्योंकि छोले बॉईल करने के टाइम भी हमने नमक डाला था। अब फुल फ्लेम पे थोड़ी देर मसाले को अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। तो 4 से 5 मिनट हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम छोले डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। अब थोड़े से छोले में मैश करूंगी इस तरह, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़े से ही। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप पानी डालें। मैंने इसमें 1/2 से 1.5 ग्लास पानी डाला है, क्योंकि किसी को ग्रेवी वाले छोले पसंद है तो किसी को थोड़े ड्राई ड्राई पसंद है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें पानी डालें। पानी डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे ताकि ग्रेवी इसकी अच्छे से पक जाए। अब लास्ट में डाल देंगे 1/2 चम्मच अमचूर का पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला और बहुत सारा हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो अब छोले हमारे बनकर बिल्कुल रेडी हैं। यहीं पर मैं गैस ऑफ कर दूंगी। अभी आपको ऐसा लगेगा कि छोले की ग्रेवी काफी पतली है, लेकिन जैसे जैसे छोले ठंडे होंगे इसकी ग्रेवी एकदम गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए सिर्फ 5 मिनट हुए हैं मुझे गैस ऑफ करके और छोले हमारे पड़े पड़े कितने गाढ़े हो गए हैं, ग्रेवी तो इसमें दिख ही नहीं रही। तो आप इसे रोटी, पराठा, चावल या पूरी के साथ खाएं, आपको बड़ा मजा आएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।